जुड़ जाओ भाई, बात करते हैं यार। थोड़ा लेट हो गया, लेट भी मैं जानबूझ के हुआ। मैं सोचा यार लव का जुड़ते नहीं हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। एक एक शेयर जरूर कर देना है ताकि और लोग भी साथ में जुड़ जाएं, तो बात करने में थोड़ा मजा आ जाए ना। सोएब खान जी हेलो। नर्सिंग वालों को यूके भेजते हैं क्या? भेजने का काम तो यार नहीं करते, गाइड कर देते हैं। अगर आपको जाना है तो भैया कॉल कर लेना, बता देंगे आपको। क्योंकि कमेंट में तो जवाब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ कमेंट लिखे थे यार, मैं ले आता हूँ। कमेंट कर दो यार, आप कहाँ से हैं ताकि मुझे भी पता लग जाए थोड़ा सा। इसराइल कौन कौन जा रहा है भैया? इसराइल का अभी इंटरव्यू, वैसे तो फर्स्ट इंटरव्यू चल रहा है, 9-10, 7-8, 9-10 मई का है। जाना चाहो तो भैया इंटरव्यू दे दो आप। चौधरी अशोक कुमार, राम राम जी। इरफान अहमद सर, सोल्यूशन इंसुलेशन फोरमैन का, फोरमैन का यार काम तो आता है लेकिन बहुत कम आता है। फोरमैन की क्या कि इतनी वैकेंसी होती नहीं है ना, तो कम आता है। एमडी पप्पू भाई हेलो जी। सोएब खान विदाउट आउट जॉब दोगे क्या? आउट विदाउट क्या लिख दिया? सौरभ सिंह जी मैं जयपुर से। अच्छा शेर जी आप लेते हैं। रोहित जी कुरुक्षेत्र हरियाणा। अच्छा जी संडे मस्ताना। नमस्कार श्रीमान धीरज शर्मा। बाराबंकी सिराज बेग हैं क्या? उत्तर प्रदेश श्री कृष्ण कुमार। राम राम जी। सुनील जी इसराइल की फ्लाइट कब? इसराइल की फ्लाइट चालू है भैया, किसने बोला बंद है? फ्लाइट तो जा रही है, लोग जा रहे हैं इसराइल। अब आपके एजेंट ने आपको क्या बोल रखा है वो बता नहीं सकता। केसर जी राम राम। मनी राम। राम राम जी दुबई से। कमलेश यादव श्री राम जी शेयर कर दो यार एक, ताकि पिछले सैटरडे को है ना 40 मिनट में फूस हो गया सिस्टम, इतने लोग जुड़े फिर लाइव बंद करना पड़ा। क्योंकि आप लोगों ने शेयर तो करते नहीं हो भैया, लगभग 100-150 लोग जुड़े थे। मैंने बाद में देखा मात्र 13-12 लोगों ने शेयर किया था। शेयर करने में यार पैसे नहीं लगते आपके। लक्ष्मण जी एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर का नहीं है भैया। रोहित जी मैं अभी मोबाइल टेक्नीशियन में हूँ, इसके लिए जॉब जॉब मिलती है, सब जॉब मिलती है भैया। शेर गुर्जर जी डेडवाना से इसराइल के नजदीक नहीं जाएंगे। डेडवाना नागौर बीकानेर सीकर जोधपुर कहीं नहीं जाएंगे। अच्छी बात है भैया, इंडिया की उड़ तो होगी नहीं। इंडिया में अगर काम आप कर रहे हो तो मत जाओ। श्रीमान मुझे कैलिफोर्निया में अपने दोस्त से मिलने जाना है, चले जाओ। उनको बोल दो स्पॉन्सर लेटर भेज देगा, वीजा मिल जाए वीजा भेज दे, ले लो चले जाओ। राज बुदियाना बुदियान। राम राम जी। शहनवाज खान सर नमस्ते। शहनवाज खान कुवैत से। अच्छा जी इमरान गांधी जी। राम राम। मुकेश जी नाइस जी सऊदी विद्याधर। गल्फ वाले यार आजकल गल्फ वाले लोग है ना यूरोप जाने की ज्यादा चाह रखते हैं इंडिया वालों से। कमेंट भी आते हैं पर्सनली, व्हाट्सएप पे भी आप लोग कमेंट करते हैं। तो देखिए आप अगर गल्फ में रहते हैं, गल्फ से किसी भी यूरोप में जाने को, ये नहीं कि जा नहीं सकते, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं जा सकते। लेकिन दिक्कत ये है कि जितने भी मेरे पास आप जैसे कुवैत से सऊदी अरब दुबई कतर वगैरह, आपसे मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, ऑफर लेटर आप भेजते हैं ना, उसमें 99% फेक सिस्टम होता है। आप यकीन करिएगा कि इंडिया में जितना फर्जीवाड़ा है ना, उतना का उतना ही गल्फ में लिए बैठे हैं वो लोग। गल्फ में लोग इसलिए विश्वास कर लेते हैं कि यार गल्फ में चीटिंग नहीं कर सकते, है ना, आपने भी माइंडसेट बनाया हुआ है। लेकिन आप यकीन करिए वो लोग 1 नंबर में 2 नंबर का काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन उनके पास है, बिना रजिस्ट्रेशन तो बैठ नहीं सकते, लाइसेंस जिसको बोला जाता है। अब दुबई में लाइसेंस लेना कौन सी बड़ी बात है यार, 8,000 दराम में लाइसेंस मिल जाता है। ऑफिस वगैरह करके मान लो 40,000 दराम में का कितना बनता है, 8, 8.5-9 लाख पकड़ लो आप। इतने में लाइसेंस बना के और ऑफिस वगैरह सब कुछ उनको तैयार होता है। तो वहां पे वो लोग अग्रीमेंट करते हैं, आप सबको पता है अग्रीमेंट में ये वो आपको चिपका देते हैं। इंग्लिश में अग्रीमेंट होता है, नॉर्मल आदमी को इंग्लिश आती नहीं है, तो फिर वो सिग्नेचर करवा के 2, 4, 5, 6, 7, 8 हजार दराम तक लोगों से ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों से लिए हैं। अब आप YouTube पे सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं, वो दुबई से माल्टा चला गया है ना, और वो वहां चला गया, लेकिन वो कितने चले गए? उनका सक्सेस रेशियो देखो ना, 100 में से कितने परसेंट लोग जा पा रहे हैं। तो निवेदन ये है भैया कि जो है ना यूरोप वाले सिस्टम से है ना थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि चीटिंग इंडिया से ज्यादा यूरोप के नाम से गल्फ में हो रही है ना। शेयर तो कर दिया होगा आपने मेरा एक बार कहना मान के, ताकि और लोग भी थोड़ा जुड़ जाएं। 54 लोग जुड़े हैं यार, 52 लोग जुड़े हैं, बताओ 75-75 हजार लोगों का अपना ये है इसमें जुड़े हुए हैं। पता नहीं नोटिफिकेशन क्यों नहीं जाता है, क्या दिक्कत है? राजेश प्रजापति सर मेरा इंटरव्यू हो गया है, मैं सैलरी 1800 USD लगा है पाइप फिटर में, क्या अभी मेडिकल के लिए जाना ऑफिस एशिया टच लखनऊ? भाई साहब ये ऐसी ऑफिसों के बारे में क्या बताएं, पाइप फिटर का जॉब था क्या पहले तो वो पता लगा लो। और सिलेक्शन हो गया मेडिकल, मेडिकल के नाम से भैया इसराइल में 90% फेक सिस्टम चल रहा है।
100 में से 90% हिंदी और इंग्लिश में, दोनों सुन लो भैया, वैसे इंग्लिश मुझे भी नहीं आती, लेकिन ये श्योरिटी आप बोलोगे आप तो एडवोकेट है भाई, एडवोकेट हिंदी मीडियम से, हमने हिंदी मीडियम से एडवोकेट गिरी की है ना, डिग्री ली है, तो इंग्लिश मीडियम अलग होती है। जैसे हमारे बच्चे अभी बच्ची है जैसे, वो अभी इंग्लिश मीडियम से शुरू हो गई, अब उसकी फीस भाई साहब फर्स्ट में बच्चे को डाला वहां पे, उठना बैठना सिखाते हैं, बच्चे की फीस थी 55,000 रुपये, 13,000 बस का किराया, यानी 80,000 रुपये एक साल की फीस थी, और इतनी मेरे बच्चे की थोड़ी मान लो। मैं उसको एक दिन बोला, मैं बोला 10th क्लास में मेरी फीस थी 3,000 रुपये, 10th क्लास में 3,000 थी, और तेरी 4th क्लास की 80,000 फीस है, और राउंड फिगर दोनों बच्चों के साल के ये मान लो 2.5 लाख से ऊपर खर्चा है ना। तो वो इंग्लिश मीडियम में सक्सेस हो जाएंगे, वो अभी से इंग्लिश में, इंग्लिश टॉक होती है भैया, अगर हिंदी वर्ड ही नहीं होता तो वो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देखो तनपत चौधरी एग्रीकल्चर जॉब इसराइल में, एग्रीकल्चर का नहीं है भाई साहब इसराइल का, मेरे पास भी ऑफर लेटर वगैरह आ रहे हैं, फर्जी हैं, फेक हैं, सावधानी बरतो। मेरा काम देखिए बताने से ज्यादा बचाने का है। अब लोग इसको नेगेटिविटी ले लेते हैं, उसका मेरे पास इलाज नहीं। लोग बोलते हैं सर कभी तो पॉजिटिव बात किया करो, भाई साहब वीजा भेज दो ओरिजिनल, उसको चेक करके मैं पॉजिटिव वीडियो बना दूंगा। आज की बात कर लो, मेरे पास पूरे दिन में 4 डॉक्यूमेंट आए हैं, डॉक्यूमेंट तो बहुत आते हैं, जो 500 रुपये डालते हैं उनकी बात है, चारों के चारों डॉक्यूमेंट फेक थे भाई साहब, क्या कर लो बताओ। एक न्यूजीलैंड का था, दो भाई साहब कनाडा का लिए बैठे थे, और एक कंट्री और थी बताओ, चारों के चारों फेक। अब वो या तो मेरे से बात कर ली, या वो कल सुबह परसों सुबह एजेंट को पैसे देने वाले थे। अब वो तो उनको सोचना है कि 500, एक वो बंदा कल परसों बोल रहा था है ना, 500 रुपये ले रहे हो यार आप तो, उस पे नीचे एजेंट ने लिख रखा था बंदे ने कि 5 लाख दे रहा हूँ एजेंट को, उस बंदे ने उसके बारे में नहीं बोला। मेरी बहस भी हुई थी कमेंट के माध्यम से, हालांकि मैं कमेंट में बहस करता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मैं सफर में था तो मैं सोचा बात कर लेते हैं। मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था, आपने देखा भी होगा ना, कम्युनिटी पोस्ट फेसबुक पे, मैं बोला कितना पैसा दे रहा है एजेंट को, बोला सर 5 लाख। तो हालांकि कमें ये व्हाट्सअप संतोष जी के पास भी होता है, तो वो भी चैट कर लेते हैं। तो मैं संतोष जी ने बोला भैया 500 रुपये देख सर से बात कर लो। तो एक बंदे ने कमेंट किया, अरे सर 500 रुपये लेते हो, शर्म नहीं आती आपकी। अब वो बंदा फर्जी डॉक्यूमेंट के 5 लाख दे रहा है, उसको उसने नहीं बोला मेरे वाले 500 में, लेकिन वो देखो अलग अलग लोगों की थिंकिंग है, उसका क्या कर सकते हैं। इसराइल की रिक्वायरमेंट तो भैया अभी अभी वीडियो डाला है ना मैंने, 7 8 8 8 रिक्वायरमेंट है, मैंने हर वीडियो में बार बार बोला भी था शुरू से, रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, पहले 3 आई 4 आई, अभी 8 पहुंच गई है। ये वो रिक्वायरमेंट है जो मैन पावर ऑफिस की ओरिजिनल है, वो फेक वाली नहीं है, 15 20 रिक्वायरमेंट दिखा देते हैं, तो उनके चक्कर में बचना। इसराइल का माहौल अच्छा है, आप अप्लाई कर लो, इसराइल का ईरान का भी वो लफड़ा खत्म हो गया मेरे हिसाब से, कुछ नहीं होगा, आप अप्लाई कर सकते हो, जो लोग वहां पे हैं वो सब ठीक हैं, सब ओके है, तनख्वाह वगैरह टाइम पे मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, तो आप जा सकते हैं। हाँ डायरेक्ट लोग नहीं जा पा रहे हैं तो वो वाया थर्ड कंट्री के द्वारा जा रहे हैं, दुबई से भी अभी फ्लाइट है, अभी तो नहीं है पहले थी, तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे से बात करोगे ना तो व्हाट्सएप नंबर, ये नंबर है यार हमारा 9414503812, सब पे नंबर होता है, तो आप बात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर यूरोप का अप्लाई कैसे करें, हालांकि यूरोप का अप्लाई का मतलब ये है भाई साहब कि यार एक मच्छर घूम रहा है, इसको तो मारना पड़ेगा। यूरोप की अप्लाई की बात यह है भाई साहब कि मुझे जो देखते हैं ना 90% लोग वो हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं ऑनलाइन वाला जो हवाई सपने है ना उनपे बात कम करता हूँ और प्रैक्टिकल बात ज्यादा करता हूँ। ऑनलाइन यार देखो अप्लाई करने को कर सकते हो, कोई ये नहीं है कि नहीं कर सकते। एग्जाम्पल समझे, राजस्थान में मान लो कि 10,000 टीचरों की भर्ती है, तो भाई साहब 10,000 टीचरों पे 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, नंबर तो 10 का ही आना है ना, 10,000 का ही आना है, बाकी 9,90,000 स्टूडेंट फॉर्म तो सबने भरा है, सेम कंडीशन ऑनलाइन अप्लाई करने वालों की है। अब यार बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ऑनलाइन तरीका बता दो, आपको फीस फीस देने के बाद जो प्रैक्टिकल बात होती है वो बता रहा हूँ मैं, सर बताओ कैसे ऑनलाइन करें, मैं क्वालिफिकेशन पूछ लेता हूँ भाई साहब, काम क्या करते हो। अब आप यार 10वीं 12वीं पढ़े हो नॉर्मल, आप जैसे कोई भी नॉर्मल स्किल है आपकी, आपको कौन लेगा जी बताओ मुझे, या तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, मतलब फर्स्ट ग्रेड की जॉब से भी भाई साहब बड़ी वाली जॉब है ना, जिसको कंपनी को जरूरत है आपकी, वो आपको लेके जाएंगे यार, नॉर्मल कैटेगरी के लोग को वो नहीं लेते, वहां लाइन में लगा के पहले उस देश में जिस देश का आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे लोग पहले से बैठे हैं है ना, तो वो आपको क्यों लेंगे जी आप बताओ, है ना, समझ रहे हो बातों। इंडिया से यूरोप कंट्री को लेके जाना वर्करों को छोटी बात नहीं होती है भाई साहब, लंबा प्रोसेस होता है, बहुत उनका खर्चा होता है, समझ रहे हो बात को, तो इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। ऑनलाइन के चक्कर में जिनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है फर्स्ट ग्रेड की जॉब की, वो तो भैया ट्राई करो ही मत, करने को आपकी मर्जी है करते रहो, हम नहीं बोलते नहीं मत करो, लेकिन मैं जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, पार नहीं पड़ने वाले, नंबर नहीं आएगा। मैंने कुछ आपकी बार पोस्ट भी डाली थी, मैंने कुछ सवाल किए थे कि भाई साहब सबसे ज्यादा भारत के लोग कौन से देश में रहते हैं, तो सबसे ज्यादा लोगों ने बताया कि यूएई में, दुबई में। ये रोंग है,
यूएई दुबई में 35 लाख के करीब इंडियन लोग हैं, लेकिन आप यकीन करिए अमेरिका में 1 करोड़ लोग रहते हैं, भारत के 1 करोड़ लोग, जिसमें 50 लाख के करीब तो ऑथेंटिक है, समझ रहे हैं, बाकी उससे ज्यादा लोग हैं जो माइग्रेट, जो इनलीगल तरीके से जाते हैं, जैसे डोंकी से विजिट में चले गए, है ना, दूसरे देश, थर्ड पार्टी, ऊपर नीचे करके जो लोग जाते हैं ना, तारों के नीचे से, ऊपर से, बीच में से, समुद्र से, कैसे भी मान लो, वो लोग लीगल से ज्यादा इनलीगल लोग वहां पे बैठे हैं। तो अमेरिका में भारत के 1 करोड़ लोग हैं, आप यकीन नहीं करोगे भाई साहब। गल्फ में जितने लोग हैं ना, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत, उतने लोग ओनली अमेरिका में, लेकिन उनका डाटा आधा का ही है, आधा, इससे ज्यादा डाटा नहीं है ना। आप लोग इतने, मतलब थोड़े से क्या बोलते हैं, चलिए ये तो मेरी बात हो गई, आपके कमेंट की रिप्लाई दे देते हैं। एमडी खुर्शीद अंसारी सर, आप काम करते हो क्या? काम यार हम तो करते नहीं है भाई साहब, करते होते तो हम आपको बताते। रमेश कसवा जी, कनाडा का वर्क परमिट जो, भाई साहब कनाडा के चक्कर में इतने लोग लूटे जाते हैं, हद नहीं है इस बात का। अब आपको कैसे तो मैं समझाऊं, कैसे, मैं रुकने से कोई रोकता रुकता थोड़ी है। अब मैं बोलता हूँ आप शेयर कर दो, कितने लोगों ने कहना माना, नहीं माना ना, वो मैं लाइव डील काट के जब खत्म होगा तब देखूंगा किस किसने शेयर किया। तो सेम कंडीशन है मेरा, मैं तो चिल्लाता रहता हूँ, 7 साल तो सोशल मीडिया पे हो गए, बाकी 15 साल हो गए इस फील्ड में, मेरे कहने से कौन रुकता है। सो वीजा मिलेगा कहाँ भाई साहब, कहाँ से मिलेगा यार? आप लोग जो वीडियो देखते हैं शॉर्ट वीडियो में, लोग कनाडा पहुंचाने के, पहली बात तो रेट नहीं बताते वीडियो में, पर्सनली जाके मिलो, आपके तोते उड़ा देंगे, वो जमीन बिक जाएगी आपकी, है ना। अभी एक बंदे से बात हो रही थी, यूरोप के नाम से 6 बीघा जमीन थी, 4 बीघा जमीन बेच के 6 लाख रुपए एजेंट को दिए, एजेंट ने गांव छोड़ दिया भाई साहब, गांव का एजेंट पैसा लेके और बीवी बच्चों को लेके फरार हो गया। अब उसने, एक बंदे की स्टोरी है, अब उसने ये तो नहीं कि 6 लाख के बेटे गांव छोड़ा है, हो सकता है उसने 20-30 लोगों से 5-6 लाख, 10 लाख लेके, करोड़, 2 करोड़ लेके भागा होगा। अब आपकी, अब आराम से जिंदगी वो काट लेगा, तो ये है आपसे, है ना। इसराइल का जॉब इंटरव्यू भैया, अभी तो देखो इतना दम तो है नहीं, देखो सत्य बात तो ये है, बाकी चल रहा है अभी, जैसे 7-8-9, पहले लोग बोल रहे थे कि मैन पावर जो क्या बोलते हैं यार उसको, क्लाइंट इंटरव्यू है, मैंने भी वीडियो बनाया था, तो बाद में पता चला कि नहीं नहीं सर वो क्लाइंट इंटरव्यू नहीं है, वो तो सिंगल इंटरव्यू, जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है ना वो इंटरव्यू है। तो इसके लिए क्या चाहिए? सही राम जी, कल इसराइल जाने के लिए फर्स्ट में आपको प्री सिलेक्शन करवाना होगा, प्री सिलेक्शन मतलब फर्स्ट इंटरव्यू देना होगा, उसमें पास हो जाओगे उसके बाद क्लाइंट इंटरव्यू देना होगा, उसी में आपका नंबर आएगा। इसराइल जाने वाले कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग क्लाइंट इंटरव्यू नहीं है, ये नहीं है ना, तो जाते नहीं है, वह सब जाओगे तो ही नंबर आएगा। अभी दिल्ली में जैसे इंटरव्यू 7, 8 और 9 मई का है, तो वहां पे नंबर किसका आएगा? जिन्होंने इंटरव्यू में सिलेक्शन हो रखा है उन्हीं का नंबर आएगा, बाकी सबका नहीं आएगा। अमित शर्मा, पुर्तगाल जाने का कितना एजेंट के खर्चा? भैया देखो पुर्तगाल का खर्चे की बात यह है कि पुर्तगाल इतनी बड़ी तोप कंट्री नहीं है जितना आप मानते हैं, है ना, माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल सेम है, कोई ज्यादा बड़ा खास फर्क नहीं है। तो ये मान लो कि 5-6 लाख के करीब का रेट अभी चला हुआ है, लोग 7 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, उनका कोई अंत नहीं है। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ सर, मैंने आपके मैसेंजर पर न्यूजीलैंड का वीजा भेजा है। अब मैसेंजर तो भैया मेरे पास है ही नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं, आपने कहाँ से भेज दिया? पहले 1-2 बार डाउनलोड किया हुआ है लेकिन अभी नहीं है मेरे पास। इरफान अहमद, मेरा पेंटिंग फॉर मेन में जॉब हो जाएगा? पेंटिंग में यार होता है काम तो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इंटरव्यू का इंतजार करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, सीवी सिलेक्शन में पेंटिंग फॉर मेन वगैरह ये होगा नहीं, पेंटिंग में नॉर्मल भी इंटरव्यू तो देना पड़ेगा। राजू राठौड़, आरएसएस, ग्रीस अच्छी, ग्रीस अच्छी कंट्री, हाँ ग्रीस अच्छी कंट्री है यार, यूरोप में भाई साहब किसी में चले जाओ, घुस जाओ, ये मत सोचो ये अच्छी है बुरी है, आप चले जाओ, यूरोप सब अच्छी देश है यार, 1 के 100 बन रहे हैं, 1 के 50 बन रहे हैं, तो अपने से 50 गुना अच्छी है वो, ये मान के चलो ना। अब यूरो 1 का 100 बनता है तो भाई साहब अपने से 100 गुना अच्छा हो गया वो, तभी तो बन रहा है ना, ऐसे थोड़ी बन रहा है। एग्जाम्पल समझो, पाकिस्तान से अपना 1 का 3 बन रहा है, तो इन पाकिस्तान से इंडिया 3 गुना अच्छा है नहीं है, आप खुद सोचो ना। श्रीलंका से अपना सिक्का भारी है, तो अपन भारी है मन में भी, है ना आपको, कि हाँ रियल में अपना इंडिया भारी है। बांग्लादेश मान लो, नेपाल, भूटान, इनसे अपन ए भी है ना, अपना सिक्का इनमें 3 गुना 4 गुना ज्यादा रेट का है। सेम कंडीशन यूरोप के ऊपर भी लागू होती है। चांद गोपाल जी, वेस्ट बंगाल से बात करना चाहते हैं। अच्छा जी, नारायण जी हमको जानना है जी, बिल्कुल जा सकते हैं भाई साहब, आप वीडियो तो शेयर कर दो फिर चले जाना यार, आप देखो 40 लोग ही नहीं आप लाइव में, भाई साहब 75,000 लोगों का ग्रुप है यार, 40 लोग लाइव में, ये क्या चक्कर है भाई साहब? फेसबुक तो भैया अपनी वो है ना, कहना नहीं मानता, आप तो मान सकते हो यार, ऐसे क्यों करते हो? अब जाने को भाई साहब रोमानिया ट्राई कर लो ना, यूरोप का सबसे बेस्ट कंट्री है, 2023 में ये न्यूज लास्ट महीने की है, मैंने वीडियो भी बनाया था, 5 लाख वर्कर की जरूरत है रोमानिया में, अब तो यूरोप बन चुका, रोमानिया, बुल्गारिया, बुल्गारिया को छोड़ दो, रोमानिया बेस्ट कंट्री है, चले जाओ ना। खर्चे की बात है तो भाई साहब सीकर में 3-3.5, आप यूरोप बन गया, इनका भी बोल देंगे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख लेंगे, आप यकीन करना। लेकिन मैं जहां बता
हूँ ना, दो दो एक लाख में काम बन सकता है, तो इससे क्या बुरा है भाई साहब, 50,000 तनख्वाह मिल जाएगी, इंटरव्यू देना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखना आपको ना। अमित जी पुर्त मांग लेते हैं जितना मर्जी उनका है, 10 लाख भी लोग देके जाने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, आपके पास है तो भैया ट्राई कर लो, अब क्या बताएं। अब 10 लाख लेके जरूरी नहीं है कि काम बन जाएगा, बहुत सारे पेच होते हैं। एमडी पप्पू भाई कोई मैन पावर सर जी, मैन पावर बहुत है भैया इंडिया में, मैंने एक कमेंट भी डाला था पोस्ट में कि इंडिया में बताओ कितने मैन पावर है, तो बहुत कम लोगों को पता था 1800 से प्लस ही मैन पावर है इंडिया में, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। यूरोप जाने का बेस्ट तरीका है भाई साहब, देखो हाई स्किल्ड जॉब है, अच्छी बात है। मेरे को यार बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, दिमाग चकरा जाता है। आप यकीन करो यार कि मान लो आप मैन पावर ऑफिस में फोन करते हो, पुर्तगाल जाना, पोलैंड जाना, रोम, फलानी, तो कोई भी यूरोप कंट्री में, वो भाई साहब काम नहीं होगा तो मना कर देते हैं। वही काम आप फर्जी लोग, जिनको मैं बताता हूँ फर्जी, वो है जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, अपनी किताब में जिनका एड्रेस नहीं है वो फर्जी है, वो कितनी ईमानदारी से काम कर रहे होंगे लेकिन अपनी किताब में एड्रेस नहीं है, वो फेक है। वो लोग भाई साहब एनी टाइम इनके पास जॉब होता है, कनाडा का, बड़ी बड़ी कंट्रियां जिनका लोगों का ड्रीम होता है जाने का ना, उनके पास वो वीजा होता है। और वही जॉब आप मैन पावर में फोन करो तो बोलते हैं सर नहीं। अरे भाई साहब एक बात समझ में नहीं आई, इनके पास जॉब आता कहाँ से, ये फर्जी लोगों के पास जिनको कोई मतलब काम, आपको लगता है कि जो कोई अच्छा स्पॉन्सर, अच्छी कंपनी, गवर्नमेंट की वेब कोई भी है, वो इनको भी वीजा देगी कि लो आप हमारे को लोग दो, और जो अथोराइज एजेंसी है, जो विदेश मंत्रालय से रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से, उनके पास कोई जॉब नहीं आता। आप सोचो कितना बड़ा घपला है ये। जाट भाई जी डिप्लोमा फोरमैन का डिप्लोमा है कि फायरमैन का डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है, हाँ मिलेगा जॉब। जॉब देखो आप कमेंट कर रहे हो ना, ऐसा कोई जॉब नहीं है जो आपको नहीं मिलता, शर्त यह है जाने के तरीके कौन से हैं। आप विजिट की प्रोफाइल आपकी अच्छी है तो विजिट में जा सकते हैं, ऑनलाइन की भैया नॉर्मल जॉब में ये मान लो 90% लोग आप ऑनलाइन करते हो लेकिन नंबर नहीं आने वाला। हाई स्किल्ड जॉब है ना, जिनकी लाखों में तनख्वाह हो, दराम हजारों में और डॉलर में हो, उनको भले ही, बाकी बेस्ट तरीका मैन पावर ऑफिस के थ्रू ही है। अब मैन पावर ऑफिस की भी कहानी बता देता हूँ, इंडिया में 1800 मैन पावर है, तो आपको आप बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जी ये तो गल्फ का ही करते हैं, अब जैसे राजस्थान में 55 है, तो 55 में से यूरोप का कौन सी ऑफिस काम करती है, जोर मार के 3 से 4 ऑफिस ऐसी हैं जो यूरोप का काम करती है, 55 में से, बोलने का तो 55 है लेकिन सब गल्फ का करती है। अब इंडिया लेवल की बात करें तो आप यकीन करो जोर मार के 1800 में से 40 से 50 ऑफिस ऐसी हैं जो यूरोप का काम करती हैं, बाकी टोटल ऑफिस गल्फ का काम करती हैं। गल्फ का मान लो इधर मान लो मलेशिया है ना, एशियन कंट्री में कोई छोटी मोटी कंट्री जैसे युगांडा भेज दिया, अफ्रीका भेज दिया, ये छोटी मोटी कंट्रियों का काम करते हैं, तो वही है ना, दिखने का तो बहुत सारे दिखते हैं अपनी ऑफिस बुक में 1800 रुपए साहब, लेकिन मेन ऑफिस यही है। इसमें भी 40 से जो 50 ऑफिस है ना, उसमें से भी सब एजेंट है इनमें भी, ये नहीं कि डायरेक्ट वो काम करते हैं, डायरेक्ट ऑफिस पूरे मुझे नहीं लगता 10 से 12 ऑफिस से ज्यादा पूरे भारत में होगी जो डायरेक्ट माल्टा से, पोलैंड से या फिर कोई भी कंट्री से मान लो डायरेक्ट उनके पास जॉब आता हो। अब जैसे राजस्थान की बात करें जो 3, 4, 5 ऑफिस हैं जो यूरोप का काम करती हैं, तो मुझे पता है कि वो काम तो यूरोप का कर रही हैं, गिनती में आ गया कि 50 ऑफिसों में उनका नंबर है, लेकिन वो काम कहाँ से करती है, मियाँ की दौड़ मस्जिद है, कुआवत है भाई मियाँ अगर हो तो आप बुरा मत मानना है ना, जैसे अपने मारवाड़ी में कुआवत है, तो उनकी दौड़ कहाँ तक है, आपसे पासपोर्ट लिया 3 के 6 लाख बताए रो दिल्ली जाके चिपका दिया, वहां से अप्लाई कर लिया, बॉम्बे से कर लिया, तो वो ऑफिस वैलिड थोड़ी है, वैसे तो वैलिड है, तो कहने का मतलब 10, 12, 15 ऑफिस ही हैं जो डायरेक्ट काम लाती हैं, बाकी तो सब एजेंट बना रखे हैं अपने। अब जैसे राजस्थान के 55 मैन पावर है, आप राजस्थान के लोग हैं तो आपको दिख रहा होगा ये तो सब सब एजेंट हैं, एक भी ऑफिस मुझे नहीं लगता डायरेक्ट गल्फ से भी ये लोग काम लेके आते होंगे, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, ओमान, कहीं से भी ये डायरेक्ट काम नहीं लेके आते, ये लोकल यहीं से दिल्ली, बॉम्बे, इधर उधर अप्लाई करते हैं। अभिमन्यु कुमार माल्टा ड्राइविंग जॉब, जय श्री राम, जय श्री राम भाई साहब, लोग बचे हैं 26, बात करने का मजा नहीं आएगा, आप लोग शेयर करते नहीं है यार, लोग भाग जाते हैं फिर पता नहीं क्यों रुकते ही नहीं है, मामला क्या है ये। अमर सिंह जी आयरलैंड वीजा के लिए एजेंट ऑफिस कहाँ है, आयरलैंड के लिए यार ऑफिस तो भैया मुश्किल ही मिलेगा, मुश्किल ही मिलेगा। आयरलैंड का कल परसों मेरे पास आया, देखा ऑफर लेटर भी आया था, 6 लाख में बात हुई है। बिहार में कोई मैन पावर, एमडी पप्पू जी बिहार में मैन पावर है 15, 16, 17 के करीब है शायद, लेकिन वही है यार पैसा तो डबल लेंगे आपसे, और वो कहाँ से काम करेंगे, दिल्ली से, पैसा डबल लगेगा। अब वहां आप अप्लाई करना चाहो तो कर लो, वैसे कोई रोक टोक तो है नहीं, देख कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। आपके कमेंट हो गए क्या पूरे,
अमित जी, राम राम सर। मैंने फाइल लगा दी ग्रीस की टूरिस्ट वीजा के लिए। आप कोई है जो? हाँ, टूरिस्ट का अच्छी बात है, अगर वीजा मिल जाता है तो टूरिस्ट का वीजा ले लो भैया। शेष राम राजस्थान में कहाँ पर है? राजस्थान में भाई 55 मैन पावर है, सीकर में है 15 के करीब, जयपुर में 10-12 है, बाकी अलग अलग जगह है। अमित जी प्लीज कुछ हेल्प करो, मेरी फाइल प्रोसेस करवाती है, मंडे को अपॉइंटमेंट है ग्रीस में, कोई लिंक है क्या? अरे भाई साहब, लिंक हमारा कहाँ होता है यार, आपका हमसे तो ज्यादा आपका लिंक है। सुरेश ढाका खीम सर, राम राम जी। माकाल चौधरी, यूरोप का बेस्ट मैन पावर ऑफिस, जो काम करते हैं ना यूरोप का मैन पावर, वो सब अच्छे ही हैं। लक्ष्मण जी मंडा, राम राम जी। शीश राम जी, छगना राम दोगावा, राम राम सा, सिराज बेग, लखनऊ में मैन पावर है, यूरोप भेजते हैं। लखनऊ यूपी के चक्कर में पड़ो मत भैया, दिल्ली करो अप्लाई। सनी सहगल, हेलो सर जी, हेलो। राजेंद्र रावत आरएस, कनाडा जाना है या? अरुण आर ये, राम राम जी। जाट भाई जी, इजरा सर, लेटेस्ट जॉब कौन सी कंट्री के लिए है? देखो लेटेस्ट जॉब तो यार मुझे बताता कौन है भाई साहब, एजेंट तो मुझे बताते नहीं, नहीं मेरे से कोई कांटेक्ट रखता, काम चलता रहता है, सब देशों का थोड़ा बड़ा चलता रहता है, बाकी पता नहीं लगता है कितनी 100 देशों का जॉब आता है, कैसे पता चलेगा भाई साहब? ये तो जो काम करता है ना उसको ज्यादा पता होता है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको ये वैकेंसी बता दूं उस देश का आया हुआ है, कोई एक दो नॉर्मल कंट्री ये होता है ट्रेंडिंग में, जैसे इसराइल का मैं बता देता हूँ, बाकी इतना नहीं पता लगता। गोपाल राम राम जी। मनीष कुमार, वेयर हाउस मैनेजर का जॉब। मनीष जी वेयर हाउस मैनेजर का जॉब, ऑनलाइन अप्लाई करो ना, मैनेजर पोस्ट तो अच्छी पोस्ट है, किसी भी देश की कंपनी होती है, करियर ओपन करो, और आप तो पढ़े लिखे हो, बताने की जरूरत नहीं है, वहां अप्लाई कर लो। आप ट्राई करते रहो, रोज 5-7 वेबसाइट पे डालते रहो, कोई पत्थर रोज मारोगे 5-10 5-10, उम्मीद है 2-4 6 महीने में कोई पत्थर लग जाए और पहुंच जाओ अभी रो। अभिमन्यु कुमार, दिल्ली मैन पावर ऑफिस कौन सा? दिल्ली में भाई साहब 300 ऑफिस है अभी, कौन सा बताऊं मैं? 57 लोग हो यार, एक एक शेयर कर दो तो पार पड़ जाएगी, और लोग जुड़ सकते हैं 15-20 अपने साथ, बाकी तो मामला ठंडा ही लग रहा है मुझे। एक कमेंट किया था मैंने कि आप सबसे ज्यादा कौन से, पोस्ट डाली थी ना कि कौन से देश आप जाना चाहते हैं सबसे ज्यादा, तो आप में से जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, लग्जमबर्ग है, सबसे ज्यादा लोगों ने लग्जमबर्ग के लिए बोला कि लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं। अब लग्जमबर्ग में ऐसा क्या भाई साहब, आप क्यों जाना चाहते हैं लग्जमबर्ग में? लेकिन कोई होता है ना ट्रेंडिंग टॉपिक, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी लग्जमबर्ग। धर्मेंद्र सिंह जी, सर जी धर्मेंद्र सिंह, हेलो। अभिमन्यु कुमार, सर्वण मल चहार सर, जापान के लिए क्या प्रोसेस है? जापान का विजिट वीजा का 500 रुपये लगता है, उसी विजिट वीजा का एजेंट भाई साहब 5 लाख ले लेते हैं, आप सोचो। आप जापान का यार इतना कुछ दम वाली बात है नहीं, कभी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं आता जापान का, हमने भी एक दो बार शुरू शुरू में कोई डॉक्यूमेंट फर्जी आए थे तो वीडियो डाला था, उसके बाद हमने नहीं डाला। शीश राम, अभी मैं ओमान मस्कत में हूँ, क्या मेरा काम हो जाएगा क्या मस्कत से? भैया देख लो, कोई मैन पावर अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। कृष्ण जी, माल्टा जाना है सर, अभिमन्यु है, माल्टा जाना है। माल्टा मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करो ना, 4-1 लाख रुपए बन जाएगा काम, बाकी माल्टा पोलैंड की रेट 6 लाख से ऊपर है मार्केट में, बाकी आप दिल्ली से ट्राई करोगे ना, मैन पावर जो अच्छी मैन पावर है जो रियल में डायरेक्ट उनके पास काम आता है, वहां से बन सकता है आपका काम। सत्यवीर सिंह सर, लग्जमबर्ग का वीजा कितने दिन में आता है? लग्जमबर्ग का भाई साहब, लग्जमबर्ग ये बोलता है कि हम 15 दिन में वीजा दे देते हैं, मैंने भी वीडियो डाला है, बाकी रियलिटी ये नहीं है 15 दिन वाली, वो कंडीशन वर्क पे डिपेंड करता है कि वर्कलोड कितना का है। कृष्ण कुमार, लॉर्ड गेम्बल, गेम्बल है क्या, क्या लिख रखा है? अभिमन्यु जी, सऊदी अरबिया ड्राइविंग का जॉब होता है भाई साहब, मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करो, फ्री में जाने की कोशिश करो आप। लियाकत अली जी, पोलैंड जाना है, पोलैंड जाना है तो भाई साहब जा सकते हो। शीश राम जी, ओमान का हमें भी नहीं पता भाई साहब, ओमान में मैन पावर कौन है, हमें नहीं पता इसका, इंडिया में होंगे तो बता देंगे आपको। नगेंद्र चौहान सर जी, एनडीसीसी के माध्यम से लखनऊ में कम होगा? अब नहीं होगा, वो छोड़ दो, भूल जाओ, एनएसडीसी इसके चक्कर में मत पड़ना, नहीं होगा, वो चुनाव तक फटफट था, अब चुनाव हो शायद यहाँ तो हो गए हमारे राजस्थान में, तो अब नहीं होगा, ये बात है। रोमानिया का अप्लाई कर लो, बंदे बन जाओ, यूरोप कंट्री है, 1 अप्रैल से ऑफिशियली मोहर लग गई कि लो जी हम आपको यूरोप में शामिल करते हैं, पहले 27 शायद देश थे यूरोप के, अब 29 देश हो गए, रोमानिया बुल्गारिया, 5 लाख जॉब वैकेंसी है रोमानिया में, आप यकीन करो या मत करो, पिछले साल 10,000 वर्क परमिट ऑफिशियली अगर बात करें ना
तो 10,000 ऑफिशियल वर्क परमिट रोमानिया ने इंडियन को दिए थे। आपका भी नंबर आ सकता है। 50,000 रुपए कुल्ले कमा लोगे, एकदम ठंडी देश, ठंडा देश है, ठंडी कंट्री है ना। वो खर्चे की बात करें तो भाई साहब दिल्ली में तो 1 लाख में, बाकी 4 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख अलग अलग जगह लगेंगे आपके। राम राम देरू गंगासरा बिल्डिंग वर्क क्रिश। हाँ अभी मैंने एक वीडियो डाला था ना, अभी दिल्ली में एक ऑफिस में इसका इंटरव्यू भी आया था, आपने अगर वीडियो देखा हो तो। शंकर ग्रीस का काम आता है मैन पावर में। शंकर निषाद कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं जी। रेहान अली आपका ऑफिस कहाँ पे? हमारा ऑफिस नहीं है भाई साहब, हम ऑफिस खोल के क्या करेंगे। शेष राम जी रोमानिया के लिए ये चार्ज, रोमानिया का बताया ना अभी आपको, 2-1 लाख में बन जाता है। जोर मार के 2.5 पकड़ दो यार, क्योंकि अभी यूरोप में शामिल हो गया भाई साहब, तो वो चार्ज एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। खर्चा नहीं है कोई अलग से थोड़ी है, लेकिन वो जोड़ देते हैं, क्या कर सकते हैं। तो 2-2.5 लाख में बन सकता है। शंकर जी लग्जमबर्ग जाना है, वीजा अप्लाई कैसे करेंगे? लग्जमबर्ग का एजेंट तो आपको मिलेगा नहीं, मैन पावर ऑफिस से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और तो कोई अल्टरनेट है नहीं, क्या कर सकते हैं बताओ। फर्जी ऑफर लेटर वगैरह बहुत आते हैं भाई साहब, ध्यान रखना, हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं। और ध्यान रखने की बात ये है, क्या है आपको पता नहीं लगेगा ये फेक है असली है, मैं बोल दूं ध्यान रखना, उससे क्या हो जाएगा जी। डॉक्टर बोलता है ये बीमारी हो जाएगी, ध्यान रखना, आपको पता थोड़ी लगता है कि ये बीमारी कब होती है, वो तो हम जांच करवाते हैं तब पता लगता है। अल्लाह भाई हम तो गए काम से, ये बीमारी हो गई। तो कोशिश तो देखो, जो विदेश जाता है ना सब यही करते हैं कि यार अपना काम सही हो, सही एजेंट मिले, सही ऑफर लेटर मिले, सही जॉब, सही वीजा, सब कुछ है ना। लेकिन उसकी इलाज तो भैया बीमार हो गए तो डॉक्टर ही बता सकता है जांच करके, या फिर आप खुद डॉक्टर बन जाओ, घर पे इलाज कर लो देसी, है ना। क्योंकि मैं तो इसलिए बोलता रहता हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट आते हैं ना सब बेवकूफ बनाने वाले। नारायण राम जी, राम राम अशोक जी, जॉर्ज भाई जी, रोमानिया में हिंदी लैंग्वेज, यार ये लैंग्वेज का चक्कर क्या है ये बताओ मुझे। लैंग्वेज बैरियर नहीं है किसी भी देश में जाने के लिए, ये ध्यान रखना। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि आपको हिंदी आती है, कोई मान लो विदेश का आदमी भारत में आता है तो उसको ये बोला जाता है कि भारत में हिंदी आना जरूरी है, मानते हो ना बात, कोई जरूरी नहीं होती। हाँ समझने के लिए, समझाने के लिए कुछ वर्ड आने जरूरी है, एक तो लैंग्वेज आना, एक समझना समझाना, ये तो अपनी मजबूरी है, क्योंकि उनको अपनी भाषा नहीं आती, अपने को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो कन्वर्सेशन के लिए नॉर्मल लैंग्वेज, तो अब भैया मुझे पानी पीना जरूरी है लॉन्ग इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेट करना है ना, नॉर्मल बोल दो ना, ऐसे अपनी नॉर्मल भाषा में नहीं समझते हैं, वाटर वाटर बंदा समझ आता है कि पानी पीना चाहता है। तो आप भी उसकी लैंग्वेज एक वर्ड, 10 वर्ड बोलता है, एक वर्ड पकड़ लो, इतने में आपको समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाहता है आप, है ना। अब आपको भूख लग रही है तो वो नहीं समझेगा, फूड फूड समझ में आ गया ना कि ये खाना खाना मांग रहा है, तो पल्ले पड़ गई बात, अगले को फूड वर्ड समझ में आ जाता है। तो सेम वो आपको भी आना, इतना तो आना चाहिए यार। सोफिया शेख, मेरा हस्बैंड को सेल्स में जॉब चाहिए कनाडा में, पहले दुबई में 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, पहले सर कहाँ का 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो अगर पढ़े लिखे हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करो ना, काम बन सकता है। बाकी जो भारत में बहुत सारे मैन पावर हैं, जो एजेंट हैं, जो रील बनाते हैं, उनसे कर लो कॉन्टेक्ट, 16-17 लाख में जॉब भी लगवा देंगे और आपको भिजवा भी देंगे। ग्रीस का खर्चा भैया नॉर्मल, देखो कोई भी देश का ज्यादा नहीं आता, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ग्रीस कोई बड़ी कंट्री नहीं है, तनख्वाह नॉर्मल मिलती है, तो 3-1 लाख के करीब हो जाना चाहिए ग्रीस का। बाकी मानने को क्या है, मांगने को कितना ही मांग ले। कनाडा के लोग विजिट वीजा के 7-8 लाख पहुंचने के देते हैं, वीजा तो 12,000 का ही है, $100 का वीजा पकड़ लो, 10,000 का होता है, 10 लाख क्यों मांगते हैं लोग पहुंचाने के, तो वो उनके ऊपर है। अभिमन्यु कुमार, आर के इंटरनेशनल मैन पावर ऑफिस है जी माल्टा जाने के लिए, अच्छी बात है, कर लो अप्लाई आप। नारायण जी, अशोक जी, अल्बानिया का ऑफर लेटर चेक करवाना, अल्बानिया ऑफर लेटर चेक करने के लिए बैठे हैं भाई। विजेंद्र कुमार, राम राम भाई, राम राम, शेयर तो आपने किया नहीं होगा, वो एक डायलॉग चलता है ना यू रील में, ये तो आपने कभी देखा नहीं होगा है ना। फिनलैंड का कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिला है, उसको चेक कैसे करूं? कॉन्ट्रैक्ट लेटर को चेक क्या होता है, ऑनलाइन तो होता नहीं है, उनके आगे पीछे वो कई बार जाते हैं ना, डॉक्टर सर जी पेट दुख रहा है, तो वो क्या पूछता है, क्या खाया था, कल क्या खाया, कितने बजे खाया, उसके ऊपर क्या खाया है ना, पेट में क्या हो रहा है, तो उससे वो अंदाज लगाने की कोशिश करता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी समझ में नहीं आता तो भाई ये जांच करवा लो आप, है ना। इमरान खान, मुझे तुर्की हूँ, आप तुर्की से दूसरी यूरोप की कंट्री का वर्क परमिट लगा सकते हो क्या? एम्बेसी पासपोर्ट में दे दूंगा। भाई साहब देखो जो काम करते हैं ना वो तो मना नहीं करेंगे, लेकिन कभी किसी को पासपोर्ट देके
है ना, न घर का न घाट का, वो मत हो जाना। बाकी पासपोर्ट अगर आप दे सकते हो तो कोशिश कर लो, अगर हो जाता है तो, है ना। पुर्तगाल जाना चाहता हूँ, आपके अलावा किसी पर भरोसा करने का मन नहीं करता, प्लीज कुछ सजेस्ट करने के लिए बैठे हैं भैया, कर देंगे। आदर्श सिंह सेवन स्टार इमिग्रेशन से वीजा करवा लें क्या? कैसे बता सकता हूँ भाई साहब ये बातें मैं अब ऐसे नहीं बता सकता कि हाँ जी करवा लो, ये तो फिर मेरी जिम्मेदारी हो गई ना कि मैंने आपको बोल दिया। आगे पीछे बहुत सारी, अभी इसका रिप्लाई कब मिलेगा? जब आपकी मेरे से बात होगी 10 मिनट तक लगातार, तब जाके मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि आपको मुझे क्या बोलना है ना। शंकर जी, मुंबई में मैन पावर ऑफिस कहाँ है? भाई साहब बॉम्बे में भारत का गढ़ है, 400 से ज्यादा मैन पावर ऑफिस है बॉम्बे में, है ना। बहुत है। लाल चंद जी, राम राम। इसराइल का, हाँ इसराइल का अभी चल रहा है प्री सिलेक्शन में, प्री सिलेक्शन में चल रहा है, आप अगर चाहो ना तो ट्राई कर सकते हो। एक कल आज सुबह एक बंदे ने मुझे कमेंट व्हाट्सएप किया, बोला सर ये देखो आपके नाम से कोई बंदा यूपी का बताया उसने, फ्रॉड कर रहा है। अब उस बंदे का मैंने नंबर लेके देखा तो मैंने पहले भी ये बंदे की कंप्लेन आई थी, फेसबुक पे मेरी फोटो लगा रखी है और अपनी जो किताब का लोगो है वो लगा रखा है, और व्हाट्सएप पे लोगों से कन्वर्सेशन कर रहा है। एक बंदे, उसका कोई एजेंट 4 लाख ले लिया, दूसरे कनाडा के नाम से फर्जी अकाउंट में डाल लिया। अब वो मेरे कोई वीडियो के नीचे आप कमेंट करते हो ना, बहुत सारे लोग अपने नंबर छोड़ देते हो, वो लोग वहीं से फायदा उठाते हैं। उसने मेरा नंबर लिया, मेरा लोगो लगाया, व्हाट्सएप पे बात कर ली, तो बोला ठीक है मैं पासपोर्ट निकलवा दूंगा, 3510 रुपये आपकी फीस लगेगी, मैं अशोक LLB की ऑफिस से बात कर रहा हूँ, आप बताओ। फिर मैंने उस बंदे को मैसेज किया, देखते हैं अभी कल मंडे को एक FIR करवाएंगे उसके खिलाफ। तो कहने का मतलब यार, लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम देखो दूसरों के नाम से ठगी कर रहे हैं। अब उस गांडू को भी नहीं पता कि एक साथ में कितनी FIR होगी, जिंदगी खराब हो जाएगी तेरी, फिर चक्कर काटता रहना, है ना। लेकिन पता, अब वो भी मेरी एजेंट, चलो दूसरे हैं तो समझ में आता है, मेरी मेरी फोटो इमेज डाउनलोड करके डालना भाई साहब। रामेश्वर कुमार जी, ऑस्ट्रेलिया में गार्डनर का जॉब, ऑस्ट्रेलिया में भैया गार्डनर का जॉब तो होता है लेकिन देगा कौन आपको ये बताओ मुझे? पहुंच गया तो सबको बुला लूंगा ऑस्ट्रेलिया, चिंता मत करो आप, मेरे पहुंचने की दुआ करो आप। अच्छा, और डायनेमिक एजेंसी दिल्ली का वीजा करवा लें क्या? भाई साहब मैं पर्सनली किसी ऑफिस को सजेस्ट नहीं करता हूँ, आप मान के चलो इस बात को। अब कई लोग आप बोलते हैं कि सर आप काम कर लो, आप ऑफिस खोल लो, टीम बना लो। देखिए अभी आप जो अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं ना, फिर कमेंट बद्दे बद्दे आने लग जाते हैं, क्योंकि ये काम है ना बड़ा गंदा और टेढ़ा काम है, इसमें साउ इज्जतदारी इज्जत कम मिलती है और बेइज्जती ज्यादा होती है, समझ रहे बात को। बाकी तो यार काम तो लोग कर ही रहे ना, इंडिया में देखो कितने एजेंट है, मैन पावर तो 1800 ही है, बाकी भाई साहब 1 लाख से ज्यादा इंडियन है जो एजेंट है, जो काम करते हैं। और आजकल तो जो लोग विदेश जाते हैं ना वो भी काम करने लगे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूबर होते हैं, सर जी इस यूट्यूबर ने इतना ले लिया उतना ले लिया, तो ये तो चलता रहता है। एक दो बंदा तो ऐसा भी चाहिए जो सिर्फ बात ही करे, है ना, बाकी तो सब काम करने के लिए बैठे हैं, एजेंट ही तो है ना। जो भी विदेश से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं 90% से ज्यादा लोग एजेंट है, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 8-9% मान लो ऐसे हैं जो लोग सिर्फ वीडियो बनाते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, कोई बात नहीं करते, वो न्यूज दे देते हैं। मैं मान लो मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो न्यूज देने के साथ में आपके और भी बहुत सारी क्वेश्चन इंक्वायरी होती है उनका समाधान करने की कोशिश करता हूँ। नरेंद्र जी चौहान, इसराइल का फ्री रिक्वायरमेंट, भैया सपने में है सपना ही रहेगा, फ्री रिक्वायरमेंट कभी नहीं आएगा, होता फ्री है लेकिन यहाँ पेड़ बन जाता है, पैसा लेते हैं लोग। शंकर जी, इसके लिए मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, पर आप मेरा हेल्प कर सकते हैं, मैं 4-5 महीने से बात कर रहा हूँ। हेल्प का ये है कि यार आपकी जो भी इंक्वायरी होगी ना उसका सोल्यूशन कर दूंगा मैं, हेल्प का मतलब ये है कि हाँ हेल्प कर देंगे आपकी। प्रमोद जी, 2.5 साल 2.5 साल बाहर में काम किया था दुबई में, मेरा इंटरव्यू नहीं होगी, एक इंटरव्यू पहले भी दिया था, दूसरी इंटरव्यू बाकी इसराइल, दूसरी इंटरव्यू अभी आएगा भैया, क्लाइंट इंटरव्यू, अगर ये इराक वाला लफड़ा नहीं होता ना तो अभी तक क्लाइंट इंटरव्यू हो चुका होता, लोग सबका वीजा वगैरह आ चुका होता, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जितेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से विदेश जाना चाहता हूँ। यार मेरे माध्यम से क्या जाओगे, और भी बहुत सारे एजेंट हैं, बहुत दुनिया में एजेंट, उनसे उनके माध्यम से अप्लाई कर लो, बाकी सही गलत का हम फैसला कर देंगे आपका। विक्रम सिंह जी हेलो यार, कब से 32-33 लोग ही जुड़े हुए हैं, आगे नहीं निकल रहे हैं। अभी यार देखें क्या कितने लोगों ने शेयर किया इस वीडियो को, अभी देख लेते हैं।
भाई साहब मात्र 17 लोगों ने शेयर किया है, ये देखो दिख रहा है आपको, ये प्रॉब्लम है। 345 कमेंट आए हैं, 131 लाइक आए हैं, यानी 131 लोगों ने लाइक किए, इसका मतलब 131 लोग जुड़ चुके हैं अपने साथ में, और उसमें से मात्र 17 लोगों ने शेयर किया है। कहने की सोचने की बात यह है कि यहाँ बात बड़ी बड़ी कर सकते हैं अपन, लेकिन प्रैक्टिकल करना हार्ड होता है ना। हर आदमी को एक दूसरे से उम्मीद होती है, आप ये सोचते हैं कि 100 कलल भी अपना ये कर दे, वो कर दे, हेल्प कर दे, है ना। और बदले में मैं ये सोचता हूँ कि वीडियो को आप अगर एक एक शेयर कर देते तो 20-30 लोग, 50 लोग और जुड़ जाते। फेसबुक से हमें कोई इनकम नहीं होती, आप देख लेना, एड नहीं आता इस पे, मोनेटाइज नहीं है ये पेज। आपको ये लगता है कि मैं शेयर करवा के पैसा कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको मैं प्रैक्टिकल, अब इस वीडियो में होता तो उसमें होता ना तो मैं दिखा भी देता कि मामला क्या है, लेकिन अब क्या बताएं भाई साहब आपको। कोई नहीं, अपने सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं, मिलते हैं अगले सैटरडे को, और सवाल है तो यार आप कमेंट कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें।